गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम द क्लास ऑफ इंग्लिश। आवर लेसन नेम इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। अब स्कूल के बारे में तो हम जानते हैं स्कूल कैसा होता है, किंतु यहाँ पे क्या है, ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक विभिन्न प्रकार का विद्यालय, यानी सब स्कूल में से अलग विद्यालय। इसमें अलग क्या है देखते हैं। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बेव। ग्रेट डील का मीन्स अत्यधिक। तो बताया गया है कि मैंने मिसेस बीम के बारे में, मिस बीम के बारे में बहुत कुछ सुना है। बीम्स स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। बताया गया है कि मिस बीम स्कूल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, किंतु पिछले हफ्ते तक मुझे चांस नहीं, मौका नहीं मिला था कि वहाँ जाके विजिट करूँ, किंतु अब मुझे क्या मिला है, मौका मिला है वहाँ पर भ्रमण करने का। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया, केवल एक लड़की दिखाई दी जिसकी आयु 12 years थी। Her eyes were covered with a bandage और उसकी आंखें जो थी एक पट्टी से ढकी हुई थी। And she was being led carefully between boy who was about 4 years younger। और बताया गया है कि वो बहुत ही क्या है, ध्यानपूर्वक क्या है, फूलों के बीच से चल रही थी और उसकी सहायता करने के लिए क्या था, उससे छोटा 4 वर्ष का लड़का भी था। She stopped, वह रुकती है, and it looked like she asked him who had come। और वो जो 12 साल की लड़की है वो रुकती है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो लड़के से पूछ रही है कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her और मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो वह मेरे बारे में बता रहा है। Then they passed on और फिर वो वहाँ से गुजर जाते हैं। Miss Sim was all that I had accepted, middle-aged, full of authorities, yet kindly and understanding। और बताया गया है कि मिस बीम भी वैसी ही थी जैसे मैंने उपेक्षा कर रखा था कि वह कैसी है, वो क्या है, मिडिल एज की है और उनके पास पूर्ण रूप से अधिकार है। और बताया गया अभी भी वो क्या है, दयालु है और समझदार, ऐसी है सब चीज़ को वो समझती है। Her hair was beginning to turn grey और उनके बाल जो क्या है, धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे थे। And she had the kind of plump figure और वह कैसी थी, वो क्या है, मोटी थी। That is likely to be comforting to a homesick child। और बताया गया है कि यहाँ पे homesick का क्या है कि जो बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं, वहाँ आते हैं, उनके लिए बहुत ही आराम था उनके लिए। I asked her some question about her teaching methods। तो मैंने मिसेस बीम से क्या है, मिस बीम से क्या है, उनके पढ़ाने की विधि पूछने का तरीका पूछा कि आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या है। Which I had heard very simple, जो कि मैंने सुन रखा था कि बहुत ही सामान्य सा तरीका है। No more than is needed to help them to learn how to do things। तो बताया गया है और ज़्यादा उन्हें कुछ सिखाया नहीं जाता है, उन्हें केवल ये सिखाने की आवश्यकता होती है कि उन्हें कैसे सीखना चाहिए, जैसे कि सिंपल स्पेलिंग, जो सामान्य स्पेलिंग होती है, उन्हें एडिंग, सब्सट्रेटिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, कि कैसे जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, ये नहीं लिखना सिखाते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू डैम और बाकी क्या उन्हें पढ़ने के साथ सिखाया जाता है। एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स और कैसे क्या है, बात करनी चाहिए कि सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित हो, यानी बोलने का व्यवहार तरीका उन्हें सिखाया जाता है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सीट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स वाइट और अच्छे से बैठना और क्या है कि हाथों को क्या है अच्छे से रखना, कैसे बैठना चाहिए, ये सब उन्हें चीज़ें सिखाई जाती है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन और यहाँ पे क्या है, दूसरा लेसन उन्हें नहीं करवाया जाता है। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to other and being responsible citizen, look out of the window a minute will you।
और बताया गया है कि स्कूल का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है। उसका वास्तविक उद्देश्य लक्ष्य यही होता है कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं होता, ज़्यादा समझाना नहीं होता है उनका। मोस्टली ये होता है कि वो बच्चों को सिखाएं कि वे दूसरों के प्रति विचार करें, उनके प्रति क्या रहे, दया का भाव रखें और वह एक जिम्मेदार नागरिक बने। और आप क्या है, एक मिनट के लिए खिड़की के बाहर देखिए, विल यू, क्या आप। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक। तो मैं क्या है, खिड़की की तरफ गया और मैंने वहाँ देखा, तो उसने क्या देखा कि वहाँ एक विशाल क्या है, बगीचा है और एक प्ले ग्राउंड है पीछे की तरफ। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, मिस बीम आज, मिस बीम ने उनसे पूछा।